चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटी हुई हैं। बुधवार को अचानक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए शामली के अमित के परिजनों से मुलाकात करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने कैराना स्थित शिव शक्ति ढाबा में बैठकर चाय नाश्ता किया। शहीद की श्रद्धांजलि सभा में राहुल, प्रियंका, शहीद अमित कुमार को दी श्रद्धांजलि, परिजनों को दी सांत्वना, एकता का दिया संदेश। शामली में पुलवामा हमले में शहीद हुए अमित कुमार की श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची, जहां उन्होंने शहीद की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए, परिजनों को ढांढस बंधवाया। इस दौरान उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजबब्बर भी मौजूद रहे। राहुल ने कहा कि शहीद की शहादत को भूल नहीं सकते, हम आपके दिलों का दर्द समझते हैं, भारत को कोई पीछे नहीं कर सकता। वहीं प्रियंका ने भी परिजनों से बातचीत की। हिंदुस्तान के परिवार ने अपनी पूरी जिंदगी इन्होंने अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने में लगाई, अपना पूरा प्यार इन्होंने अपने बेटे को दिया और बेटे ने अपना पूरा का पूरा प्यार, अपना शरीर, अपना दिल इस देश को दिया है, तो हम इस बात को कभी नहीं भूल सकते हैं। इससे पहले शामली पहुंचने पर राहुल और प्रियंका ने ढाबे में रुककर चाय पी और लोगों से बात की। राहुल और प्रियंका ने यहां दुख की इस घड़ी में परिवार के साथ खड़ा रहने का संदेश देने की कोशिश भी की। हमले में शहीद हुए जवान अमित के घर पर आज प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पहुंचे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं हम शामली के रघुनाथ मंदिर में हैं, यहां पे प्रियंका गांधी और राहुल गांधी पहुंचे हुए। अंदर अमित की जो है श्रद्धांजलि जो सभा है वो चल रही है। आज 13वीं का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में बीजेपी के मंत्री सुरेश राणा के साथ साथ शामली के जो विधायक है तेजेंद्र नरवाल वो भी पहुंचे। इसके अलावा तमाम जो पार्टी के नेता है, वरिष्ठ जो पदाधिकारी है वो पहुंच रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं के अचानक से शामली में पहुंचने से पूरे प्रशासन में हलचल मच गई थी। हालांकि ये जो प्रोग्राम था पहले नहीं आया था, अचानक से ये प्रोग्राम आया है। शामली से कैमरा जोगी शालिम के साथ रवि सुलानिया, भारत समाचार। और इसी बीच दिल्ली से आ रही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या मामले की सुनवाई 26 फरवरी को होगी। जी हां, दिल्ली